इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ग्रैनुलेटेड और ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ठीक है विच इज कॉमनली नोन एज जी वी एफ एस क्लियर है तो ये एक प्रकार का सीमेंटिंग मटेरियल है ठीक है ग्रैनुलेटेड और ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग तो आइए हम जानते हैं कि ये होता क्या है ठीक है तो अगर हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑप्टेन वाइल स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेस यानी कि जब हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम आयरन और ठीक है बाई द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर थ्रू हीटिंग एंड मेल्टिंग क्लियर है तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफटेन वाइल स्मेल्टिंग आयरन ओर इन अ ब्लास्ट फर्नेस ठीक है तो जब हम आयरन ओर को मेल्ट करते हैं 1400 से 16 डिग्री सेल्सियस पर तो पिग आयरन फॉर्म होता है पिग आयरन के फॉर्म होने के साथ साथ कुछ फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जिसमें लाइम सिलिका और एल्यूमिना होता है जिसी को हम स्लैग कहते हैं ठीक है जिसको ही हम स्लैग कहते हैं उस फ्लोटिंग इम्प्योरिटी को जिसमें लाइम सिलिका एंड एलुमिना होता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कहते हैं ठीक है अब ये 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म हो रहा है यानी कि ये हॉट होगा ठीक है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अगर हम इसको स्लो क्लूनिंग करेंगे ठीक है बाई स्लो कूलिंग ऑफ स्लैग अ क्रिस्टलाइन मटेरियल इज प्रोड्यूस विच इज़ यूज एज एग्रीगेट एंड हैज़ नो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब जब हम इसको स्लो कूलिंग करेंगे तो एक क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसकी एक परफेक्ट लैटिस हो जिसका एक परफेक्ट अरेंजमेंट हो ठीक है विच इज़ यूज एज एग्रीगेट यानी कि विच इज़ यूज यूज एज एग्रीगेट इन कंक्रीट जिसकी कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती बेसिकली वो एक प्रकार का कंक्रीट की बॉडी फॉर्म करने के लिए होता है ठीक है उसकी कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है लेकिन अगर इसी एग्रीगेट को हम ग्राइंड कर दें ठीक है अगर इसी एग्रीगेट को हम ग्राइंड कर दें तो उसी को हम जी कहते हैं यानी कि ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लैग ठीक है तो जब हम उस क्रिस्टलाइन मटेरियल को ग्राइंड करेंगे तो उसी को हम जी जीबीएफएस कहते हैं और वो एग्जिबिट करता है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी यानी कि उसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है ठीक है तो जीबीएफएस क्या है जीबीएफएस बेसिकली ग्राइंड किया हुआ वो क्रिस्टलाइन एग्रीगेट है ठीक है जो कि स्लो कूलिंग ऑफ स्लैग से फॉर्म हो रहा था क्लियर है और जीबीएफएस में हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है ठीक है जी बी एफ एस बेसिकली अगर हम बात करें तो यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट ठीक है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के लिए होता है जिसका स्पेसिफिक सर्फेस एरिया तीन हजार से पैंतीस सौ सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के बराबर होता है ठीक है जी बी एफ एस ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट लैंड क्लियर है अगर हम और बात करें तो जी बी एफ एस एक्सिबिट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन प्रेजेंस ऑफ सी ई एस टू जैसी बात है कि जब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जी बी एफ एस से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसकी कुछ ना कुछ उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी ठीक है और क्या होता है इट इज़ ब्लेंडेड विद ओ पी सी टू प्रोड्यूस पोर्टलैंड ब्लास्ट स्लैक सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ जी बी एफ एस इज नॉट एक्सीडिंग सिक्सटी फाइव परसेंट कहने का मतलब है अगर हम इसको ओ पी सी के साथ ब्लेंड कर दें यानी कि ओ पी सी के साथ मिक्स कर दें ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट को और डी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ अगर हम जी को ब्लेंड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट बन जाएगा ठीक है और उस पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में जो जी का प्रोपोर्शन होता है वो पैंसठ परसेंट से ज़्यादा नहीं होता है ठीक है अब ये जो सीमेंट बन रही है पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट ठीक है उसकी अर्ली स्ट्रेंथ तो लेस होती है अर्ली स्ट्रेंथ तो कम होती है लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है इन कंपेरिजन टू ओ यानी कि ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर यानी कि जो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस लैक सीमेंट बन रही है उसकी अर्ली स्ट्रेंथ ओ पी से कम होती है लेकिन उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ओ के बराबर होती है ठीक है अब एडवांटेजेस क्या है जी के तो एडवांटेज है कि ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है ठीक है ये रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक प्रोवाइड करता है ये रे को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसीलिए लिए ये वाली ये सीमेंट हम यूज़ करते हैं आर वर्क में और प्री स्टेस कंक्रीट में यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट में और पी में यानी कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए अगर हम इसका एप्लीकेशन बात करें तो ये यूज होता है इन मास कंक्रीटिंग ठीक है इट इज़ यूज फॉर मास कंक्रीटिंग यानी कि डैम्स बनाने में ठीक है और भी बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं तो ये बात हो गई जी बी एफ एस की यानी कि ग्रैनुलेटेड और ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ग्राउंड का मतलब है कि जो हमारा एग्रीगेट बन रहा था स्लैग स्लो कूलिंग ऑफ स्लैग से ठीक है अगर उसको हम ग्राइंड कर दें ठीक है तो जो बन रहा है उसको हम ग्राउंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कह रहे हैं जी कह रहे हैं क्लियर है ग्राउंड मतलब कि छोटा छोटा